हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेज सूरतगढ़ से। तो आज मैं आपको पर मिनट 100 वर्ड होंगे तो 100 की स्पीड से डिक्टेशन देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्लीज़ अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने साथ जुड़ सकें। अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी के कई कारण हैं। जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि इसका एक सबसे बड़ा एवं प्रमुख कारण है। बढ़ती जनसंख्या के जीवन निर्वहन हेतु अधिक रोजगार सृजन की आवश्यकता है होती है। ऐसा न होने पर बेरोजगारी में वृद्धि होना स्वाभाविक है। भारत में व्यवहारिक के बजाय सैद्धांतिक शिक्षा पर जोर दिया जाता है। फलस्वरूप व्यक्ति के पास उच्च शिक्षा की उपाधि तो होती है परंतु न तो वह किसी कार्य में दक्ष हो पाता है और न ही अपना कोई निजी व्यवसाय शुरू कर पाता है। इस तरह दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली में बेरोजगारी को बढ़ाने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये पंक्तियाँ भी हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली की कमियों को प्रमाणित करती है। हमारे देश में हर साल 9 लाख पढ़े लिखे लोग नौकरी के लिए तैयार हो जाते हैं जबकि यहाँ शतांश के लिए भी नौकरियाँ खाली नहीं। हमारे यहाँ स्नातक के स्थान पर वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता है। पहले अधिकतर ग्रामीण कुटीर उद्योगों से अपनी आजीविका चलाते थे। ब्रिटिश सरकार की कुटीर उद्योग विरोधी नीतियों के कारण देश में इनका पतन होता चला गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इसके उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रयास नहीं किए गए जिसके दुष्परिणाम स्वरूप गांवों की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई और ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि हुई। औद्योगिकरण की मंद प्रक्रिया के कारण भी तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना संभव नहीं हो सका। हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है किंतु पूंजी एवं तकनीक के अभाव में हम इनका समुचित उपयोग नहीं कर पाते। भारत की बड़ी आबादी कृषि पर निर्भर है किंतु कृषि के पिछड़ेपन के कारण इस क्षेत्र के लोगों को सालों भर रोजगार नहीं मिल पाता। पाई पेरा चेंज। बेरोजगारी के कई दुष्परिणाम होते हैं। बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि होती है तथा भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। बेरोजगारी के कारण मानसिक अशांति की स्थिति में लोगों के चोरी डकैती हिंसा अपराध की ओर प्रवृत्ति होने की पूरी संभावना रहती है। अपराध एवं हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही है। कई बार तो बेरोजगारी की भयावह स्थिति से तंग आकर लोग आत्महत्या भी कर बैठते हैं। युवा वर्ग की बेरोजगारी का लाभ उठाकर एक ओर जहां स्वार्थी राजनेता इनका दुरुपयोग करते हैं वहीं दूसरी ओर धनिक वर्ग भी इनका शोषण करने से नहीं चूकते। ऐसी स्थिति में देश का राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण अत्यंत दूषित हो जाता है।
जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण कर शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार करते हुए व्यावसायिक एवं व्यावहारिक शिक्षा पर जोर देकर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर एवं औद्योगिकरण द्वारा रोजगार के अधिक अवसर सृजित कर हम बेरोजगारी की समस्या का काफ़ी हद तक समाधान कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने भी कहा था, भारत जैसा विकासशील देश लघु एवं कुटीर उद्योगों की अनदेखी कर विकास नहीं कर सकता। ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनेक रोजगारोन्मुख योजनाएं चलाई जाने के बावजूद बेरोजगारी की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति के कई कारण हैं। कभी कभी योजनाओं को तैयार करने की दोषपूर्ण प्रक्रिया के कारण इनका क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता या ग्रामीणों के अनुकूल नहीं हो पाने के कारण भी कई बार ये योजनाएं कारगर साबित नहीं हो पाती। प्रशासनिक खामियों के कारण भी योजनाएं या तो ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं होती या ये इतनी देर से प्रारंभ होती हैं कि इनका पूरा पूरा लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पाता। इसके अतिरिक्त भ्रष्ट शासन तंत्र के कारण जनता तक पहुंचने से पहले ही योजनाओं के लिए निर्धारित राशि में से 2/3 तक बिचौलिए खा जाते हैं। फलतः योजनाएं या तो कागज तक सीमित रह जाती हैं या फिर वे पूर्णतः निरर्थक साबित होती हैं। स्टॉप।